नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की देर रात की बड़ी अपडेट है आपके लिए। कुल उपस्थिति कितनी रही आज की भर्ती परीक्षा में आपको ये अपडेट बताने वाला हूँ। साथ ही जो सारी अपडेट यहाँ बताऊँगा कि हरिप्रसाद शर्मा ने भर्ती परीक्षा को लेकर क्या कहा कि आज की परीक्षा कैसी हुई, सारी जानकारी आप लोगों को बताने वाला हूँ। कुल उपस्थिति आज कितनी दर्ज हुई, कितने लोग जो है आज परीक्षा में बैठने थे, तो चलिए पूरी जानकारी जानते हैं। प्रेस नोट जारी हुआ है उसमें तो ये हरिप्रसाद शर्मा जी यानी कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से अपडेट है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड प्रयोगशाला सहायक विज्ञान संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न जयपुर 28 जून की अपडेट है। राजस्थान कर्मचारी सेवा चयन बोर्ड द्वारा 28 जून 2022 वार मंगलवार को दो पारियों में प्रथम प्रश्न पत्र 10 बजे से 12 बजे तक, द्वितीय प्रश्न पत्र 2:30 बजे से 4:30 बजे तक संभाग मुख्यालय अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर एवं जिला मुख्यालय अलवर, भीलवाड़ा, गंगानगर के परीक्षा केंद्रों पर प्रायोगिक परीक्षा प्रयोगशाला सहायक विज्ञान संयुक्त भर्ती परीक्षा प्रथम चरण आयोजित की गई। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष श्री हरिप्रसाद शर्मा ने बताया कि इस परीक्षा के लिए प्रथम चरण के लिए तो आज प्रथम चरण में कितने विद्यार्थी बैठे दोस्तों, मतलब टोटल कितने बैठते थे, कितने विद्यार्थी पंजीकृत थे, 272,551 विद्यार्थी पंजीकृत थे द्वारा आवेदन था प्रथम चरण के लिए। इस परीक्षा में परीक्षार्थियों की उपस्थिति आज कितनी दर्ज की गई, 70.29% प्रतिशत जो है यहाँ पर उपस्थिति दर्ज की गई, कितनी 70.29% दर्ज की गई। 272,551 अभ्यर्थी थे आज के प्रथम चरण के लिए। परीक्षा के दौरान कई परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्था का निरीक्षण स्वयं द्वारा एवं सदस्यों द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि सभी परीक्षा केंद्र पर परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई। उन्होंने आयोजन में सहयोग के लिए जिला प्रशासन पुलिस विभाग को धन्यवाद ज्ञापित किया। तो हरिप्रसाद शर्मा जी ने ये सारी बात बताई है जो कि आप जानकारी देख सकते हैं। ये ऑफिशियल अपडेट है दोस्तों, ऑफिशियल सरकारी वेबसाइट में यह अपडेट डली हुई थी, वही अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ कि आज जो है 272,551 अभ्यर्थियों में से 70% उपस्थिति दर्ज की गई और शांतिपूर्वक परीक्षा आयोजित करवाई गई। अब कल भी परीक्षा होगी और परसों भी परीक्षा है, यानी कि 3 चरणों में अभी परीक्षा बाकी है। तो दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।